आपसे रुष्ट होकर आपसे दूर जाने वाला, प्यार में धोखा देने वाला अगर आपसे दूर चला गया है, तो आप भी कर सकते हैं एक रोटी और दो लोंगों का यह वशीकरण टोटका। और जब आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाएंगे तो आपसे दूर जाने वाला नहीं रह पाएगा आपके बिन। तो क्या यह विधि है, कैसे आप मन चाहे प्यार को आप वापस बुला सकते हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको काफी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी दे चुका हूँ, मंत्रों की जानकारी दे चुका हूँ, माता श्यामपुर मोहिनी जी के वशीकरण करने वाले शावर और वेदक मंत्रों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, और उनकी विधियों के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन कुछ साधक, कुछ भक्त उन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज ये जो मैं वशीकरण करने वाली ये जो विधि बताने जा रहा हूँ, एक सरल सा टोटका, ये बिल्कुल सरल टोटका है। और ये जो वशीकरण टोटका है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाने के बाद अगर किसी गलतफहमी के कारण, किसी तकरार के कारण, अगर आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, आपका जो प्रेमी है, अगर वह आपसे दूर चला गया है और वह आपके साथ बात नहीं कर रहा और आप उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, तब आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाकर देखें, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो चमत्कार है, यह जो वशीकरण है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। और बिल्कुल सरल विधि है, इसके लिए आपको घर से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। बिल्कुल सरल विधि है इस वशीकरण टोटके को करने के लिए। तो इससे आप मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, और इतना शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा, कहीं पर भी अगर आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे रुष्ट होने के बाद, आपका प्रेमी अगर आपसे दूर है, तो आपको ढूंढता हुआ वापस चला आएगा अगर आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाएंगे। तो जो यह वशीकरण है, तो इसकी जो विधि है, इसके लिए आपने जो प्रयोग करना है, एक रोटी और दो लौंग। तो इसकी जो जानकारी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएं, और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन ही भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर मन चाहे प्यार की प्राप्ति करना चाहते हैं, घर का कोई कीलन करवाना चाहते हैं, कोई धागा सूत्र ताबीज यंत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, तब आप बुकिंग करवा सकते हैं जो व्हाट्सएप के नीचे आप नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर मैसेज करने के बाद। या इसके अलावा घर की किसी समस्या के बारे में अगर पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबरों के ऊपर आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आप मन चाहे प्यार को वापस बुला सकते हैं, आप शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं और वह आपके बिन रह नहीं पाएगा, जिसके लिए आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाएंगे। तो जो यह वशीकरण विधि है, किसी भी शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय जब अंधेरा हो जाए, आपने केवल एक रोटी बनानी है, मीठी रोटी। उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, और इस रोटी की दोनों साइड आपने पकानी है। दोनों साइड पकाने के बाद आपने ये जो रोटी है, इसके ऊपर आप देसी घी भी लगा सकते हैं और तिलों का तेल भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने मधु शहद के द्वारा उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप पाना चाहते हैं। किसी भी उंगली के द्वारा आप उस रोटी के ऊपर
उस व्यक्ति का नाम लिख दें। और नाम लिखने के बाद आपने इस रोटी के ऊपर माता श्याम कुर मोहनी, माता मोहनी जी का नाम लेकर जोड़ा लौंगों का आपने रख देना है या इस रोटी में आपने उनको लगा देना है। और उसके बाद उस व्यक्ति का आपने ध्यान धरना है और 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेने के बाद उसको अपनी आँखों में बसाने के बाद ये जो दोनों रोटी है आपने अपने माथे को लगाकर इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर घर की छत के ऊपर जानवरों को आप इसको डाल सकते हैं या इसके अलावा आप इसको गाय को भी खिला सकते हैं क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तब भी ये जो वशीकरण है इसकी जो शक्ति है आपको प्राप्त हो जाएगी। घर के गेट के बाहर भी रख सकते हैं, घर की छत के ऊपर भी रख सकते हैं, पीपल के पेड़ की जड़ में भी रख सकते हैं, माता श्याम कुर मोहनी के मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको जाकर चढ़ा सकते हैं। केवल एक शुक्रवार को आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपना कर देखें तो जिसके लिए आपने इस टोटके की विधि को अपनाया है तो उसी रात्रि आपको सपने में वह दिखेगा और जहाँ पर भी वह होगा वह आपके बिन रह नहीं पाएगा। या तो वह आपको फोन कॉल लगाएगा या फिर आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाएगा। जब आप इस वशीकरण टोटके की विधि को अपनाएंगे तो बिल्कुल सरल विधि है, आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इसका जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।